नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कि सनातन में 108 जो अंक है उसको इतनी मान्यता क्यों दी गई है। देखिए, सनातन में 108 एक महत्वपूर्ण अंक है। आपने देखा होगा कि माला में 108 मनके होते हैं। नाम का जब 108 बार किया जाता है, माला को 108 बार किया जाता है, हवन में आहुतियों को 108 बार आहुति दी जाती है, किसी सिद्ध पुरुष के नाम के आगे 108 या 1008 नंबर का दर्जा जोड़ा जाता है। तो आपने सोचा है कभी कि 108 ही क्यों? देखिए, 108 हर जगह इतना महत्वपूर्ण है। आपने न्यूमरोलॉजी का नाम सुना होगा। न्यूमरोलॉजी में 9 अंक को बहुत ही शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। जब हम 108 को टोटल अंकों को 1 + 0 + 8 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। मतलब कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 108 एक अहम भूमिका में है। बात करें गौंडीय वैष्णव धर्म की, तो उसमें वृंदावन में गोपियों की संख्या 108 बताई गई है। श्री वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के 108 क्षेत्रों का वर्णन है। 108 दिव्य देश जिसे कह सकते हैं। कंबोडिया के एक प्रसिद्ध मंदिर अंगकोरवाट मंदिर की नक्काशियों में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन के हिसाब से जिक्र किया गया है, जिसमें एक तरफ 54 देव और 54 दानव को दर्शाया गया है। कुल मिलाकर ये भी 108 ही होते हैं। ज्योतिष विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसमें 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। दोनों का गुणा 108 ही मिलता है, फिर भी 108 अहम मायने रखता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि 108 का इतना महत्व क्यों है। हम दोनों पद्धतियों के ऊपर बात करेंगे, एक सनातन धार्मिक पद्धति और दूसरी है वैज्ञानिक पद्धति जो सनातन सदैव लेकर चलता है। तो पहली बात करते हैं धार्मिक के ऊपर। देखिए, 108 को भगवान शिव का अंग माना जाता है। 108 को भगवान शिव का अंग मानने के पीछे एक कारण यह है कि शिवांगों की संख्या 108 मानी गई है हमारे वेदों पुराणों के अनुसार। बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की। देखिए, हमने चक्रों के वीडियो में हमने एक बात की थी कि हमारे शरीर में 114 चक्रों में से केवल 108 चक्र ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम कर, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर नहीं याद है तो आप एक बार वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। 108 चक्र, इसलिए 108 मन के, हर मन का, हर चक्र, हर पॉइंट को एक्टिव करने के लिए। दूसरी बात करते हैं तो हमारे सौर मंडल में 108 एक समतुल्य रूप से चलता है। समतुल्य रूप कैसा? हमारे प्रकृति के लिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, ये अहम ग्रह कहो आप या फिर एक अहम भूमिका निभाने के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। इसी प्रकार चांद और धरती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। इस प्रकार कई मायनों में सौर मंडल की रचना में 108 अंक अहम भूमिका निभाता है। हमारे जीवन की पद्धति में 108 अंक अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।